पैसा भेड़ा जाता हूँ चका मार अं कट सा पौड़ो खड़ा जी पहले ते मैं दसना चाहना कि मैं मीडिया के माध्यम के थ्रू ये आखना चाहना कि मेरे जिहड़े मुजब इत्थे आए दे ने एक्स कहना सूबेदार तिलक जी डी कुलदीप सिंह भगत जी डी डी सी मैंबर सुरेखा भगत जी और मेरे नौजवान साथी मेरे पंच संजय जी और कुलबीर कौर इन उदा बेटा आया अर्जन जी और भी मेरा यूथ मेरे ग्रां की तरफा अज एज ए सरपंच एक मैं आखना चाहना कि मीडिया के माध्यम के थ्रू कि यह साड़ी एक बहुत बड़ी डिमांड ही कि अस सन 1995 दे कोला लगी है उल्ले अस ग्रां दा चलदे हे ते मैं एक फैक्ट्री च कम करदा रहा बिलवाड़ा च मतलब फैक्ट इतों पैदल जंदे हे सलाड़ा जाइए बौंदे हे ते उल्ले 95 दे विच रोड बनया तो एक बड़ी वड्डी उम्र होंदी एक 27 साल एक उम्र हो जाती है कि 27 साल के बाद जिहड़ा साडा ग्रां सुनिया है कहना लुक लगी है पौन अज मैं सारे कोला पहले PWD का अपने महकमे का डिपार्टमेंट का बड़ा शुक्रगुजार हूँ और जिहड़े साडे इत्थों दे लोकल जेई ने परशोत्तम जी इनका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हाँ क्योंकि इन्हें एक बहुत ज़्यादा संयोग किया साडे पिंड की एक मतलब कि इन्ना रिलीफ मिली है कि जेहड़े साडे बच्चे की नौजवान साथियों की बजुर्गों की भैनें की इहदे कन्नै सानूं एक बहुत बड़ा मतलब कि गिफ्ट मिलिया अस चाहते हैं कि इ'यां गै साढ़े जिते जिते भी काम अधूरे ने तो ये गौरमेंट की तरफा ज साड़ी जो भी पंचायत की तरफा और साड़ी मैडम की तरफा ज अपने BDC कुलदीप जी इंदी तरफा सानू कोई वो नहीं है भाई अस काम दिन रात एक करिए और अपने ग्रां बात है और की और करते भी रहोगे और साढ़े बहुत ज़्यादा काम लगे दे ने और कुछ लाने पर जा रहे हैं तो मैं मीडिया के माध्यम तो उधरों फिर एक बार मैं डिपार्टमेंट का PWD का शुक्रिया अदा करना मैं फिर आखना जेई परशोत्तम जी का ये साड़ा जिहड़ा और भी थोड़े काम दूरी नाल बड़ा पेंडिंग है जिहड़े जी साढ़े सूबेदार साहब आखे ने साड़ी एजवाल का क्योंकि रोड बड़ा छोटा है ये रोड ना जिहड़ा ये रोड महाराज सलैड तो चलता तो सीधा पाकिस्तान की जाता है ये रोड बड़ा बड़ा खुला हुंदा रोड अज हुंदा हुंदा क्लोज होई है ते अज एक मैं अपने आप पर भी सानू सुकून होया कि एज ए सरपंच दे नाते जिल्ले भी असा हे महल्ले आंदे हे ते हर चाहे वह कुसा दे घर कियां भी आंदे हे लेकिन अगे रोड अड़कदा ही लेकिन अज सानू अपने दिल पर भी सुकून होया कि इहदे कन्नै कि मैं अपने तरफा मैं DDC मैम और BDC साहब का बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने हमारे सरपंच साहब से मिल करके हमारे गांव की बहुत बड़ी डिमांड थी इसको पूरा कराया है और इसमें एक और इसके साथ हम और एक रिक्वेस्ट करेंगे एजवाल के लिए भी आगे से प्रोग्रेस की और कराएं जो बचा हुआ थोड़ा काम है। दूसरा ये बहुत ही 27 साल पुराना काम था जो रुका हुआ था जो सभी पूरे हमारे जो नुमाइंदे इनके प्रयास से और PWD डिपार्टमेंट के सहयोग से ये काम हमारा
पूरा हुआ है, क्योंकि जहां रोड की हालत इतनी ख़राब थी, जहां स्कूल की गाड़ियां बच्चों को स्कूल ले जाने में भी हिचकिचाती थी कि रोड ठीक नहीं है, आपके बच्चों को हम स्कूल में नहीं ले जा सकते। लेकिन बहुत बड़ा ये डेवलपमेंट है और हम आशा करते हैं ऐसे भी और भी जो बचे हुए काम हैं ऐसे डिपार्टमेंट करता रहे। हमारे जो नुमाइंदे हैं इनकी डिमांड को गवर्नमेंट सुने, और आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि हमारे जो बचे हुए काम हैं वो जरूर हों। सरकार का धन्यवाद, हमारे मेम्बरान का सबका धन्यवाद, थैंक यू।